हाय गाइस, मैं पूनम अपने चैनल पूनम्स किचन एंड ब्लॉग्स में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मेथी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जिसे कहते हैं मेथी के बड़े। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए चलिए बनाते हैं मेथी के बड़े। तो देखिए गाइस, हम मेथी के बड़े बनाने के लिए एक बाउल में ये मेथी ले लेते हैं। मेथी 250 ग्राम मेथी है और इसको हमने धो के साफ़ करके रख दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका पानी सूख जाए। तो हम इसे बाउल में डाल लेंगे। और इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच सूजी, और ये हमने 4 बड़े आलू उबाल कर मैश कर लिए थे, तो इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से मेथी में डाल देंगे इसे भी। और अब डालेंगे हम इसमें मसाले। तो मसाले में हम सबसे पहले डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, लाल मिर्च पाउडर और ये थोड़ी सी अजवाइन। इसको हम क्रश करके डाल देंगे हाथ से इस तरह से। और इसमें हम डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो ये हम 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। और हम पैन गैस पर रख देंगे, इसमें ऑयल डाल देंगे। तो देखिए गाइस, पैन में हमने ऑयल डाल दिया है, ये गर्म हो रहा है। इतने हम इसका डो बनाकर तैयार करेंगे मेथी का। और मेथी को हम चाकू से काटेंगे नहीं तो इसके पत्ते नहीं दिखाई देंगे। तो हम इसको, वैसे भी ये छोटे छोटे पत्ते वाली मेथी है, तो हमने इसको ऐसे ही साफ़ कर लिया था। इसको हाथ से मैश करेंगे इस तरह से, और इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, आलू से ही इसका डो ठीक से तैयार हो जाएगा इस तरह से। इसे हम इस तरह से मिला लेंगे इस ठीक से इसमें। तो देखिए गाइस, ये हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है, मेथी आलू और सारे मसाले मिलाकर। ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है, और हम इसके बड़े तैयार के करके रखेंगे। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे हाथ में, ताकि चिपके ना। और ये थोड़ा सा डो लेकर हम पहले इसे गोल बनाएंगे, और फिर हल्का सा इस तरह से ये दबा देंगे इसको। और इस तरह से हम सारे बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे, और उसके बाद हम फ्राई करेंगे। मेथी के बड़े खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं, और हरी सब्जी है तो आयरन से भी भरपूर है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम ये सारे बड़े बना लेंगे। इधर हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है, तो हम इन्हें तलने के लिए डाल देंगे इसमें। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तो देखिए गाइस, ये ऑयल में सिकने लगे हैं बड़े, तो अब इन्हें पलट देंगे इस तरह से। एक एक बड़े को
पलट देंगे और थोड़ी देर के लिए सिकने देंगे इस तरह से। और जो हमारा डो बचा है इसके भी हम बड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए गाइस ये बड़े सिक रहे हैं और इन्हें हम फिर से पलट देंगे। इन्हें ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं पलटना है, थोड़ा सिकने देना है उसके बाद ही पलटना है इस तरह से। और इन्हें अभी सिकने देंगे थोड़ी देर, फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे। तो देखिए गाइस ये हमारे बड़े सिक गए हैं और इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए इस तरह से करके ताकि इसका तेल निकल जाए और एक एक बड़े को हम इस तरह से करके निकाल लेंगे। ये देखिए कितने करारे हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से ये बड़े को भी और सिकने देंगे थोड़ा। और फ्लेम को कम करके हमने जो और बड़े बना कर रखे हैं वो हम पैन में डाल देंगे। इस तरह से और फिर फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इन्हें सिकने देंगे। तो देखिए गाइस ये हमारे एक बार के बड़े सिक चुके हैं और हमने इसमें दोबारा से फिर से डाल दिए और बड़े जो हमने बनाए थे और वो हमारे सीख रहे हैं। अभी थोड़ी देर सीखने देंगे तब इन्हें पलटेंगे। देखिए गाइस ये हमारे ये बड़े सीख रहे हैं मेथी के, इनको इस तरह से पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी ये सही से सीख जाए। और इन्हें थोड़ी देर और सीखने देंगे। तो देखिए गाइस हमारे मेथी के बड़े सीख चुके हैं और इन्हें एक एक करके हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। ये साइड से लगा देंगे तो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। फ्लेम को बंद कर देंगे और सारे बड़े हम निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस ये हमारे मेथी के बड़े बनकर तैयार हो गए हैं और अब हम इन्हें सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो देखिए गाइस हमारे ये बड़े तैयार हैं और कितने कुरकुरे हो गए हैं, तो अब हम इन्हें सर्व करेंगे। इसे सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो देखिए ये हमारे मेथी के बड़े तैयार हैं। तो गाइस हमारे मेथी के बड़े बनकर तैयार हैं, आप इन्हें बनाइए और ट्राई कीजिए आपको कैसे लगे। और इसकी रेसिपी से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो अब हम मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।